पिछले 28 साल से मूवी यहीं लगी हुई है। हेलो दोस्तों, आज एक नया दिन है पूरा। मैं मुंबई में हूँ इस टाइम, और मैंने मुंबई में बहुत ही छोटा सा रूम ले रखा है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही छोटा सा रूम है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ एक ऐसे सिनेमा थिएटर को मूवी में, जिसके यहाँ 28 सालों से जब से DDLG रिलीज हुई है वो डेली एक शो चलता है 11:30 बजे। मैं उस हाल में आपको लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मूवी देखने का बहुत ही मन था DDLG, और वो हाल भी एक्सप्लोर करनी है आपके लिए कि जब से DDLG रिलीज हुई है वहाँ पे लगातार लग रही है, हर दिन एक शो जरूर चलता है उसका। और दोस्तों, SRK का फैन होने के नाते यहाँ तक अगर आया हो तो वो हाल में जाना बनता है। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा सिनेमा जहाँ पे आज तक DDLG लगी हुई है पिछले 28 साल से जब से रिलीज हुई 1995 से, तब से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। मैं आपको एक बार अपना रूम दिखा दूँ कि कितना छोटा मेरा रूम था, बस यहाँ से लेके वहाँ तक। हाँ, हालांकि बहुत सस्ता था, मुंबई में इतने सस्ते रूम मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, इसलिए दोस्तों मैंने ये रूम ले लिया था। अब हाँ, अब निकल रहा हूँ आपको, चल रहा हूँ वो सिनेमा दिखाने जहाँ पे DDLG कंटिन्यू लग रही है। दोस्तों, फाइनली मैं उस थिएटर में पहुंच गया हूँ जहाँ पे DDLG लगती है। उसका नाम है मराठा मंदिर, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये लोकेशन बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन पे, और इसके पीछे का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही हैं, यानी ये पॉश एरिया में है मुंबई के। और दोस्तों, इस हॉल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब से DDLG रिलीज हुई है तब से ये पिछले 28 सालों से डेली एक शो चल रहा है 11:30 बजे। अब मैं उसका टिकट लेने जा रहा हूँ, टिकट की प्राइस क्या है वो सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये जानकर कैसा लगा कि शाहरुख खान की एक मूवी जब से रिलीज हुई वो अभी तक चल रही है, और जब तक ये हाल रहेगी तब तक ये मूवी चलती रहेगी, ऐसा कोई टाई अप है शायद इन लोगों का। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा कंपाउंड देख करके मुझे बहुत ग्रेट फीलिंग आ रही है। दोस्तों, मैं चल रहा हूँ सीधा टिकट काउंटर, पता करता हूँ इसका टिकट कितने का है, टिकट लेता हूँ फिर अंदर चलते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप ऊपर देख पा रहे हो मराठा मंदिर लिखा हुआ है, और तीन यहाँ पे मूवीज लगी हैं, एक उधर, एक ये बीच में, और एक ये DDLG। दोस्तों, मुझे आपको बताना ये है कि वो दोनों बैनर बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले 28 सालों से ये बैनर आज तक नहीं बदला और ना ही कभी बदलेगा। यानी नई मूवीज आती है तो वो बैनर बदल जाते हैं, ये हमेशा अपनी प्लेस पे कंटिन्यू रहता है। ये तीनों बैनर अब आपको एकदम साफ दिख रहे होंगे, वो मूवीज उधर लगी, एक मूवी यहाँ पे लगी, और ये है DDLG हमारी, इसको मैं देखने के लिए आया हूँ। DDLG के बैनर पर लिखा है द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन इंडियन सिनेमा, 1250 वीक इसके हो चुके हैं ऑलरेडी। बताते हैं ऐसा है लोग कि यहाँ जो इसके मूवी के जो प्रोडक्शन हाउस है शाहरुख खान, उन्होंने स्पेशली इस मराठा मंदिर को ऐसे समझिए कि लीज पे ले रखा है। मराठा मंदिर जब तक रहेगा तब तक ये मूवीज चलती रहेगी, यानी हमेशा के लिए ये मूवी यहाँ पे लग गई। आपको जब भी DDLG हाल में देखने का मन करे आप यहाँ पे आ सकते हैं, हाल का नाम है मराठा मंदिर। अब मैं आपको ले चलता हूँ दिखाने के लिए टिकट काउंटर की, कहाँ पे आप टिकट लेंगे जब भी यहाँ पे आएंगे, ऑफलाइन टिकट कैसे लेंगे आप, काउंटर कहाँ पे, बॉक्स ऑफिस कहाँ पे। हालांकि मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ, टिकट की रेट यहाँ पे 30 और 40 है, मैंने ऑनलाइन का 45 पड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टिकट काउंटर कहाँ पे है। मेन गेट से एंट्री करते ही जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आगे जाने पे थोड़ी दूर पे आपको ये बॉक्स ऑफिस का काउंटर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, जिसकी कास्ट 30 और 40 रुपीज ही होती है DDLG के लिए। हमें दोस्तों यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी, गार्ड यहाँ पे चेक कर रहे हैं टिकट हमारा। अभी दोस्तों मैंने हाल में सिर्फ एंट्री ही ली है, मैं गेट पे ही खड़ा हूँ, मेरे पीछे गेट देख पा रहा हूँ। और देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है अंदर के हाल का, मैं अंदर चल के एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइटिंग भी चेहरे पड़ रही है, चेहरा चमक रहा होगा। दोस्तों, कैसा लग रहा है वो अंदर आपको चल के दिखाते हैं क्या क्या डिटेलिंग है इसकी। दोस्तों, हमने एंट्री इधर से ली थी, और ये इधर मेरे पीछे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, मुझे जो कि बालकनी में जाना है मैंने टिकट बालकनी का ले रखा है, तो मैं ऊपर चल रहा हूँ। और ऊपर जाने के लिए ये स्टेयर्स है मेरे पीछे, इसी को मैं चढ़ के ऊपर जाना है। बहुत ही खूबसूरत हाल लग रही है, ऐसा लग ही रही ना कि इतनी पुरानी हाल है ये, देख रहे हैं दोस्तों पीछे कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से व्यू देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। DDLG का जलवा है भाई साहब। दोस्तों, बालकनी के एरिया का इंटरफेस कुछ इस तरीके से, कितना खूबसूरत लग रहा है, एक नंबर। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वे टू बालकनी, अब हमें इधर से आगे बढ़ना है। देखिए हाल पुरानी है, बहुत पुराने ज़माने की, 28 साल से तो DDLG भी लगी है, उससे पहले से भी ये हाल है, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना खास तरीके से मेंटेन किया गया, अच्छा लग रहा है देख करके। अब मैं दोस्तों अपनी स्क्रीन में अंदर जाने वाला हूँ, और DDLG के कुछ शॉट्स आपको जरूर दिखाऊंगा, यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। SRK के लिए चलते हैं, और SRK को अगर आप पसंद करते हैं लाइक जरूर करिएगा, DDLG अगर आपको पसंद हो तो लाइक करिएगा। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं DDLG कुछ शॉट्स, मूवी शुरू होने वाली, मुझे पूरा एंजॉय करना है, आपको भी थोड़ा थोड़ा जरूर दिखाऊंगा। और ये हाल के अंदर मैंने कदम रख दिया, और देखने से साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 90s की हाल में आ गया हूँ, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है। दोस्तों, सीट कंफर्टेबल है, मगर हाँ यहाँ पे जो लेग स्पेस होता है थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे शुरू होने जा रही है हमारी मूवी, स्क्रीन आपको दिख रही होगी।
दोस्तों अभी इंटरवल हो चुका है और देखो यहाँ पे मराठा मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी देखने के लिए। हर दिन लगभग यहाँ पे 100-150 लोग तो आते ही हैं मूवी देखने के लिए। और हाल कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हो ये पुराने ज़माने का है लेकिन बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। इस हाल की सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब आप इंटरवल में बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको खाने पीने वाली सभी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ही सस्ते दामों में, 20-30 रुपए। बाकी आप किसी भी वीआईपी हॉल में जाते हैं तो आपको 200-300 देने पड़ते हैं पॉपकॉर्न के, यहाँ पे सिर्फ 20-30 रुपए में काम हो जाता है ना मज़ेदार बात। दोस्तों फाइनली हमने डीडी जल्दी देख लिया, हम निकल रहे हैं और सबके चेहरे पर जितने लोग हैं खुशी आप देख सकते हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मतलब एकदम अलग सी फीलिंग आ गई इतने साल बाद डीडी जल्दी देख करके। और देखिए दोस्तों वहाँ पे सब लोग फोटो वोटो ले रहे हैं मतलब कि डीडी जल्दी के पोस्टर के साथ। दोस्तों ये व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ, हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लोर कर दी, आपको कैसा लगा? और ऐसा ही कुछ यूनिक अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे फीचर्स में बहुत सारे व्लॉग आएंगे जो बहुत सी चीज़ें आपने देखी नहीं होंगी, इस चैनल पर आप पहली बार देखेंगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।